ओम शांति, ओम शांति। आपके परिवार के सदस्यों से लेकर के बाहर के लोगों को छोड़ दो। एक कल आपको कर्म कहानी बहुत लंबा सुना सुबह के सेशन। बाहर की दुनिया वालों को छोड़ दो, अपने ही घर में आपका पतिदेव हो सकता है, आपका घर के गृहिणी हो सकता है, बाल बच्चे होता है, उन सबके प्रति भी किसी ना किसी रूप से इतने बार पाव बिगड़ता है नहीं बिगड़ता बिगड़ता है नहीं बिगड़ता। तो जितना बार पाव बिगड़ता है उतना आत्मा का उसके साथ अकाउंट क्रिएट होता है, क्योंकि आपने अपना जागृति से नीचे आ गया, आपने दूसरों के खाता में हिसाब में चले गए। आजकल की कोई प्रॉपर्टी के लिए बोलते हैं ना, मैं इसके लिए क्या देता हूँ, जो बोलते हैं ना, अगर ये पे नहीं करेंगे तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, क्या बोलते हैं, गारंटी देते हैं दूसरों के पैसे के लिए गारंटी देते हैं। वैसे हम भी क्या करते हैं, दूसरों की कमियों में अपने को इन्वॉल्व करके उनके बंधन में बांध करके हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, जानना। जैसे एक व्यक्ति एक बाइक में ट्रैवल करता था, कोई कार या टेम्पो आकर के उसको उसको टक्कर, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी आप सभी मुझे बता दीजिए इसमें गलती किसका है। जो व्यक्ति और एक्सीडेंट किया उसका गलती है, या जो व्यक्ति जिसको एक्सीडेंट हुआ उसका गलती है, कार वालों का गलती है या बाइक वालों का गलती है, किसी का गलती नहीं। तो भोक्ता कौन है, जिसको एक्सीडेंट हो गया वो भोक्ता ही नहीं भोक्ता है। उसको अभी क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। सारी दुनिया का लाभ क्या बताता है, किसका इसमें दोष है, बाइक वाले का या कार वाले का, कार वाले का। पुलिस किसको पकड़ेगा, बाइक वाले को या कार वाले को। लेकिन कुदरत का नियम ये कहते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन भुगत रहा है, कार वाले भुगत रहे हैं जो एक्सीडेंट होकर के वहां पेन में कौन भुगत रहा है, बाइक वाला। कुदरत कहता है जो भुगता है उसी का भूल है, जो भुगता है उसी का भूल है, जिसका अकाउंट अभी ऑलरेडी क्या हो गया है, मैच्योरिटी हो गया, इसीलिए कार वाले उसको वो फल देने के लिए क्या बना, निमित्त बना। रस्ते में कितने जगह कितने लोग लाखों लोग घूमता है, लेकिन कईयों को क्यों आकर के पकड़ता है, कईयों को क्यों उस समय उसका प्रॉब्लम का दिक्कत आता है, कईयों को क्यों उसी तरह का परेशान होकर पड़ता है, फल कैसा होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कईयों को टीवी सीरियल देखने का आदत होता है, आप में भी किसी को होगा सीरियल देखने, नहीं किसी को नहीं, सास बहू ऐसे होता है, कोई ना कोई सीरियल होता है। आजकल ये सीरियल देख करके ठीक करके वो सीरियल को सीरियल समझा, इस सीरियल को भूल, सीरियल का मतलब क्या है, सी रियल, इसको भूल गए, वो सीरियल में फंस गए। समझो कि दो व्यक्ति हैं, वो दोनों दोस्त हैं, एक व्यक्ति रोज धारावाहिक सीरियल देखने का आदत है। एक दिन ऐसा आया जो उसका दोस्त घर पे आया जबकि उसका सीरियल का टाइम है, तो वो वही व्यक्ति को एक्स व्यक्ति ने बोला, आप कुछ भी बुरा ना मानो, मुझे ये सीरियल आज क्लाइमैक्स है, मुझे देखना है, आप थोड़ा टाइम मेरे लिए वेट किए जाओ। तो उसका दोस्त कहते हैं,
हाँ हाँ इतना आपको इंटरेस्ट है तो कुछ ना कुछ होगा, तो मैं भी तुमको साथ देता हूँ, दोनों मिलकर के सीरियल देखें। दोनों सीरियल देखें, वो सीरियल में क्या आ रहा है, एक को क्या करते हैं वो, ये होता है ना फांसी, फांसी करते, दूसरे को जेल में डालते, तीसरों को थप्पड़ मारते हैं, चौथे को घर से बाहर निकालते हैं, और उसका दोस्त है ना वो ऐसे ही देखता है, और एक्स वाले है ना जो रोज सीरियल देखता है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, क्लाइमैक्स तो सुपर है, ऐसे ही होना है, वो तालियां बजा करके एंजॉय कर रहा है, और उसका दोस्त को लगता है पागल कुछ हो गया क्या, उसमें किसी को फांसी चढ़ा है, किसी को जेल में जाना है, किसी को मार पीटा है, किसी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, और ये हंसते इतना एंजॉय कर रहे। तो सीरियल खत्म होने के बाद उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या आपको दिमाग तो ठीक है, तो उस सीरियल में ऐसा कौन सा चीज है तुम एंजॉय कर रहा हो। तो उसके एक्स वालों ने उसके दोस्त को समझाते, अरे यार मैं तो पहले एपिसोड से देख कर आ रहा हूँ क्या 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 हो रहा है, आप तो क्लाइमैक्स में आकर के अभी पूछ रहे हो ऐसे क्यों हो रहा है, अगर आपको इसको जानकारी चाहिए तो आप एक के एक के एक लगता है, ऐसे ही हम सबका भी अभी का जन्म अब क्लाइमैक्स के एपिसोड में चल रहा है, अभी जो जो कर्म का फल मिल रहा है हम समझते मेरे लिए ऐसे क्यों होता है, मुझे ये ऐसे क्यों करता है, व्यक्ति मेरे साथ ऐसे क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं, मुझे ऐसे करने से इसको क्या मिलता है, मैं इनके साथ अच्छा रहता हूँ फिर भी ये क्यों मुझे इनकार करता है, ऐसा लगता है, लेकिन हमको पता नहीं पिछले जन्म का एपिसोड कनेक्शन है। तो कर्म का फल ऐसे एक तरह से नहीं देता है, कर्म का फल एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म से बहुत जन्मों के कनेक्टिविटी से आकर के हमारे साथ क्या होता है, रिटर्न्स मिला जाता है।